जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभियान में आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम व्याकरण का मुद्दा सर्वनाम है उसकी पढ़ाई करेंगे। बच्चों, पहले हमने संज्ञा शब्द का अभ्यास किया था। संज्ञा संज्ञा यानी कि नाम। आज हम सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। राजा बाजार जा रहे हैं। राजा बाजार से कपड़े खरीदे थे। राजा के भाई की शादी है। बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि राजा है वो संज्ञावाचक शब्द है जिसका उल्लेख बार बार हुआ है। राजा बाजार जा रही है, राजा बाजार से कपड़े खरीदेगी, राजा के भाई की शादी है। बच्चों, अब जो संज्ञा शब्द है उसका बार बार प्रयोग न हो और उसके लिए एक शब्द हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। राधा बाजार जा रही है, वह बाजार से कपड़े खरीदेगी। वह राधा है, उसकी जगह हमने सर्वनाम कर दिया वह। उसके भाई की शादी, राजा के भाई की शादी, तो वहां भी हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम रख दिया। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। संज्ञा यानी कि नाम। नाम के बदले जो शब्द रखा जाए उसे सर्वनाम कहा जाता है। बच्चों, याद रखना इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर राजा है वो संज्ञा है और राजा के नाम पर यहाँ जो शब्द लिया गया है वो सर्वनाम। इसी तरह जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। नाम के बदले जिस शब्द का उपयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहा जाता है। मुझे ऐसे कुछ सर्वनाम के शब्द हैं जो हम देखेंगे, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, वह, वे, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, उसे, उनका, उन्हें, कुछ, कोई, यह, जिसने, कौन, जिसको, जिससे, क्या, ऐसे सर्वनाम के कई शब्द हैं जिसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर कर सकते हैं। बच्चों, याद रखना कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। बच्चों, अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा उसे समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपकी जगह आप कोई नाम है वो रख सकते हैं, पर संज्ञा के स्थान पर हमने क्या रखा? आप। तो पहले वाक्य में आप है वो सर्वनाम वाचक शब्द है। दूसरे चलो हम स्कूल चलो, इसमें है हम जो कि सर्वनाम शब्द है। तीसरा, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। मैं, इसमें संज्ञा यानी कि मैं, मेरा नाम नहीं लिया है, पर नाम के बजाय जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ नाम के बदले जिस शब्द यानी कि मैं शब्द का उपयोग किया गया है तो मैं शब्द है वो सर्वनाम शब्द है उसे सूचित करता है। चौथा, उसे तो बस रोना ही आता है। चौथा वाक्य है उसमें उसे शब्द है वो सर्वनाम वाचक शब्द है। पांचवा, तुमने मेरी कविताएं अच्छी।
हृदय तुम है मेरे मेरे नाम के बदले यहाँ मेरे होता है। किसी का नाम नहीं, नाम के बदले जो शब्द लिखा जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ नाम नहीं लिखा पर सर्वनाम वाचक शब्द है वह दर्शाया गया है। इसलिए इस वाक्य में मेरी शब्द है वो सर्वनाम वाचक शब्द है। छठा, वह अपने आप खड़ा हो गए। वह है, उसमें भी कोई नाम नहीं है, नाम के स्थान पर वह रखा गया है। या रोहित, मीना, टीना, किसी का भी नाम हम ले सकते थे पर नाम के स्थान पर जो शब्द लिखा जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। इसलिए वह अपने आप खड़ा हो गया। इस वाक्य में वह है वो सर्वनाम वाचक शब्द है। बच्चों, सर्वनाम शब्द के कई प्रकार है जो हम अगले कक्षा में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए तो आपको सर्वनाम क्या है उसकी जानकारी ही प्राप्त करनी है। सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द रखा जाए, यानी कि नाम के स्थान पर जो शब्द रखा जाए उसे सर्वनाम कहा जाता है। बच्चों, इसका अभ्यास आप ध्यान से करें और सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं उसे समझने की कोशिश करना। जय स्वामी नारायण।